मुख्यालय जगदलपुर में पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी ठग पुलिस अधीक्षक के जाली हस्ताक्षर के जरिए ग्रामीणों को निशाना बनाता था। पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ठगी के इस मामले में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने मामले में कुछ कहने की बात कही है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि आरोपी जगदलपुर के पुलिस कोतवाली क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को वाहन नीलामी के नाम पर एसपी के जाली हस्ताक्षर के जरिए ठगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जमावाड़ा के कुछ ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की थी। कृष्णा वैष्णव और गुड्डू कश्यप नाम के दो व्यक्तियों द्वारा थाने में जब्त वाहनों की नीलामी होने की है और कम दामों पर उन्हें अच्छी गाड़ी दिला देने की बात कहकर करीबन 23,000 रुपए उनसे ले लिया गया था और ऐसे ही अन्य 10 लोगों से 20,000-23,000 रुपए उन दोनों के द्वारा लिया गया था। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक आदेश जिस पर नीचे हस्ताक्षर पुलिस अधीक्षक जिला बस्तर लिखा हुआ था वो भी दिया गया, जिसमें उनको गाड़ी मिल जाने की बात लिखी गई थी वो भी उनके द्वारा दिया गया है। काफी समय बीत जाने के बाद और गाड़ी नहीं मिलने पर शंका होने पर इनके द्वारा आकर रिपोर्ट दर्ज किया गया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई कर दोनों आरोपी कृष्णा वैष्णव और गुड्डू कश्यप दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिस पर उनके द्वारा जो है अपना अपराध कबूल किया गया, जिस पर उन्हें आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पर रिमांड पर पेश किया जाएगा।